चूंकि मटर एक बार पानी गिरने के कारण काफी संख्या में काफी रकम किसानों का खराब हो गया, इससे किसान परेशान है। और जहां तक मंडी की व्यवस्था की बात करें तो मंडी के जितने भी अधिकारी हैं सारे निकम्मे हैं, सारे निकम्मेपन, जो अपने निकम्मेपन का अब मटर के सीजन में वो अपना निकम्मापन दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ मंडी गेट से लेके आईटीआई तक जाम लगता है, इसका पूर्ण जिम्मेदार मंडी का सचिव है। जो आज तक अभी तक हम लोग ने 2 साल हो गए और उसकी शकल नहीं देखी कि हमारा सचिव कौन है। आप मंडी का मटर का सीजन शुरू हो गया कम से कम डेढ़ से दो महीने हो गए हैं, एक भी बार वो व्यवस्था देखने सचिव आए नहीं है। सचिव साहब एक भी बार व्यवस्था देखने नहीं आए। 20 रुपये बोरा अगर यहाँ से दूसरी मंडी में, किसी दूसरे प्रदेश की मंडी में, जबलपुर कृषि उपज मंडी का मटर जाता है तो 20 रुपये पर बोरा के हिसाब से वो लेते हैं मंडी गेट पे, नहीं टैक्स, वो टैक्स लेते हैं गेट पास के नाम पे। लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे अगर आप देखो तो यहाँ से मंडी गेट से लेके आईटीआई तक जाम लगा रहता है, उससे किसान सही समय पे मंडी पहुँच नहीं पाता। अगर वो सही समय पे पहुँच जाए तो सही समय पे उसका मटर सही रेट पे बिक जाए। इसका पूर्ण जिम्मेदार जबलपुर का यातायात प्रशासन और मंडी प्रशासन है, और बहुत हद तक नगर निगम प्रशासन। एक भी गार्ड नहीं है यहाँ पे, एक भी गार्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे अगर आप मंडी का रजिस्टर देखेंगे, मंडी का रजिस्टर देखेंगे उसमें कम से कम 100 से 150 गार्ड हैं, लेकिन एक गार्ड भी नहीं है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसका जवाब सचिव को देना चाहिए। सचिव साहब एक भी दिन यहाँ व्यवस्था देखने नहीं आए। 8-8 दिन तक यहाँ झाड़ू नहीं लगती, 8-8 दिन तक यहाँ सफाई नहीं होती है, 8-8 दिन सफाई नहीं होती है। आए दिन झगड़ा की स्थिति बनती है, किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी वाले को ठोक दिया, उसका नुकसान हो गया, उनके वापस में जाओ, उनके केबिन में जाओ तो उनका चपरासी बस बैठा रहता, पंखा और लाइट चालू रहती है, सचिव साहब की कुर्सी हवा खाती रहती है। उसकी हकीकत केवल दिखावा है। जैसे एक नारा था ना, न खाएंगे न खाने देंगे, वो एक दिखावा था, वही मटर की ब्रांडिंग का एक केवल दिखावा है कि आपने जबलपुर में मटर का हब होने के कारण, मटर का एक बहुत बड़ा हब है, आपने किसान की आमदनी मटर के कारण दुगनी हो, जो बड़े बड़े भाषण दिए जा, उसके लिए आपने क्या किया, यह जबलपुर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। उसका इसका जवाब वो आपको बहुत सटीक दे पाएंगे। यहाँ कितनी टॉयलेट हैं आज तक नहीं आया, उनको नहीं पता नहीं। किसानों को पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, आपके न्यूज़पेपर में जरूर आता है, आज भी आया है। न्यूज वाले जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। आपने आज 1.5 महीने बाद हम लोगों की सुध ली कि चलना चाहिए हमें मंडी, मटर के रेट इतने कम क्यों हैं, या आपने किसी सरकारी मुलाजिम से या सरकारी अधिकारी से पूछा कि ये अव्यवस्थाओं का कारण क्या है। आप भी अपना एक फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं, फॉर्मेलिटी निभाएंगे, कल एक न्यूज़ देंगे, एक पेपर में न्यूज़ देंगे, अव्यवस्था मटर के सीजन में किसान और व्यापारी भाई एक अव्यवस्थाओं का शिकार। साल हर साल यहाँ मटर का सीजन होता है और अव्यवस्थाएं होती हैं। सरकारी जो कर्मचारी या मंडी कर्मचारी वो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, सिर्फ गाड़ी का पेमेंट जाए, गाड़ी निकली तो उनको पैसा चाहिए। एक भी गार्ड नहीं है, बता दो, एक मंडी में एक गार्ड नहीं है, 42 गार्ड रहे, सब गार्ड भाग गए। इन लोग सकून से 20 रुपए बोरा ले रहे, गाड़ी आए जाए, कौन का गैया अंदर जा रही बाहर जा रही, उनसे कोई मतलब नहीं। व्यापारी परेशान हो रहा है, एक दुकान निकला 20 रुपए दो। दो तीन किसान ऐसे फांसी लगा के मर चुके हैं। बेलखेड़ा क्षेत्र से एक किसान मरा है, 100 एकड़ में मटर बोया था, वो फांसी लगा के मर गया। देखने की सरकार है और कुछ नहीं है, सब मोदी मोदी करते हैं, सिर्फ देखने का मोदी है। किसानों को 10-10, 11-11 बजे रात जाना पड़ रहा है रात में। मोदी सरकार आने से पहले किसान की स्थिति बेहतर थी कि अब बेहतर है? अरे बेहतर जब भी थी अभी भी है, लेकिन ऐसा है, लेकिन देख रेख कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी तो हैं, एक नंबर हैं, लेकिन नीचे के कर्मचारी कोई मतलब के नहीं है। टाइम तो कुछ नहीं पूछे, मान लो 2 बजे के आए हो तो 12-11 बजे रात को जाना पड़ता है, और सुबह 6 बजे फिर उठ जाओ, 5 बजे फिर मटर में फिर लग जाओ, 5-6 घंटे सोने मिलता है किसान को मात्र। वो तो अब क्या करें, मेहनत कैसा लगता है जब धूप तपती है, रात रात शिफ्ट बदलते हैं, पूरी रात जग के मटर में 1-1.5 घंटा 1.5 घंटा की शिफ्ट लगती है, जब जाके कहीं फसल मटर पैदा होता है। किसान सभी चीज से परेशान है, किसान को ना लाइट मिली तरीका से, लाइट के लिए बोल मतलब 10 घंटे देती है किसानों को, 5 एकड़ टमाटर लगा है 5 एकड़ में, ये बताओ टमाटर ट्राई निकल रहा है 10-7 घंटे मुश्किल से मिलती है लाइट। के बारे में कहना चाहता हूँ कि 10 घंटा सरकार बोली 10 घंटा
मिलती है, मान लीजिए तुम 6-7 घंटे में एक ट्यूबवेल है आपका, 10 लोजन चल रहे हैं, तो 8-7 घंटे में कैसी सिंचाई कर पाओगे आप, ये बताइए।